चलिए, आखिरकार आज हम ले ही आए हैं आप लोगों को, जो पुलिस कांस्टेबल सर्विस का इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए हम आठ करके सेलेक्ट करके हम लाए हैं आप लोग की, जैसे जैसे हेल्प हो जाए। और गारंटी है, 100% गारंटी है कि आज के इस वीडियो में जो भी मैं टिप्स दूंगी, जो भी मैं क्वेश्चन बंगला में आप लोगों को दूंगी, और अगर उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि आप लोग का इंटरव्यू में सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, इंटरव्यू का मैं टिप्स दूंगी और एक प्रो टिप्स एकदम लास्ट में दूंगी वीडियो के एंड में। तो वीडियो का जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए और पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों का भर्ती हो जाए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी कॉर्नर। बंधुरा स्वागत जाना है अपना कॉलेज स्टडी कॉर्नरे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल सर्विस के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए और शुरू करते वीडियो को। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में जानने से पहले कुछ टिप्स आप लोगों के लिए है। एक टिप्स ये है, जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाएं तो हमेशा कैजुअल में जाएं। अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप मेल हैं तो डार्क कलर की ट्राउज़र पहनिएगा, फुल स्लीव शर्ट पहनिएगा और शर्ट का बटन पूरा यहाँ तक बंद होना चाहिए, ये नहीं कि उसको फोल्ड कर ले। ठीक, और शूज़ भी फॉर्मल होनी चाहिए, नहीं कि स्पोर्ट्स शू पहन के हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने। ये हो गई फर्स्ट टिप। सेकंड टिप है, जब आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाए, इंटरव्यू रूम में अंदर बुलाया जाए, तो आप लोग जैसे ही अंदर दरवाजे तक पहुँचते हैं तो पहले पूछ लीजिए, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम। ठीक, अगर बंगला में पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं, आमी की आस्ते पारी, आमी की भेतोरे आस्ते पारी। ठीक, ओके। जब अंदर से आपको बोला जाए यस प्लीज़ कम इन, या बंगला में बोला जाए हैं भेतोरे आसुन, तब आप अंदर जाइए। अच्छा, अंदर जाते ही सिनेरियो ऐसा होगा कि कई सारे लोग बैठे होंगे क्वेश्चन करने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए। सामने टेबल के दूसरी तरफ एक चेयर लगी होगी जिस पे आपको बैठना है, बट नो, जान बैठने से पहले परमिशन ले लीजिए। या तो बंगला में आप पूछिए आमी की बोसते परे, या आप इंग्लिश में पूछ लीजिए मे आई सिट सर, और आपको वहाँ से अनुमति मिले, परमिशन मिले कि प्लीज़ सिट डाउन, या बंगला में बोसते परे, तब बैठिए। और बैठने के बाद बोलिए धन्यवाद सर या धन्यवाद मैम। ठीक, और जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के तुरंत बाद जैसे आप वहाँ तक पहुँच टेबल तक पहुँचेंगे बैठने से पहले ही, सबको आप एक बार गुड मॉर्निंग जरूर विश कीजिएगा। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती है। ठीक, तो चलिए इसके बाद ये लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। नेक्स्ट थिंग, एक और टिप आप लोगों को देना है। मान लीजिए कई बार ऐसी होती है घबराहट के मारे में, या ऐसे कुछ पेन अगर गिर जाए, मान लीजिए कोई जो डॉक्यूमेंट्स हम ले गए वो अगर स्लिप हो जाए, नीचे गिर जाए, तो उठाने से पहले आप परमिशन ले लीजिएगा। ठीक, कि सर मेरा ये गिर, सर आम की एटा उठाते पारी, ट्राई कीजिएगा आप बंगला में ही बोलने की। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो बंगला में क्या बोलिएगा, सर आमी की एटा उठाते पारी। अगला बोलेगा, इंटरव्यू लेने वाले बोलेंगे, तब आप उसको उठाइए। ठीक, सेकंड थिंग, एक और चीज़ है, अगर आपको प्यास लग रही है, वहाँ पे पानी रहती है, तो बिना पूछे ग्लास मत उठाइएगा, पूछ लीजिएगा मे आई ड्रिंक वाटर, या आम की जल खेते पारी, और जैसे परमिशन मिले धन्यवाद बोल के आप पानी पीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है वो होगा नाम की, मतलब आपका नाम क्या है। तो जैसे कोई पूछे आपसे नाम की या तुम्हार नाम की, तो आपको अपना नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि की करो तुमी, की करो तुमी, क्या करते हो आप, क्या करते हो। तो अगर आप स्टूडेंट है तो आप सीधे बोलिएगा आमी एंजॉन स्टूडेंट, आमी एंजॉन स्टूडेंट, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब या पार्ट टाइम जॉब, तो वह बोल सकते हैं आमी, मान लीजिए जॉब का नाम कोरी। ठीक, नेक्स्ट आते पूछ सकते हैं तोमार नामेर अर्थ की, तोमार नामेर अर्थ की, अर्थ मीन्स होता है मीनिंग। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ अपना जो भी नाम है आप लोगों का, आप लोग को अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो बहुत से लोग, अगर आप लोग अभी तक अपने नाम का अर्थ, नाम का मतलब नहीं मालूम है, प्लीज़ ये सब पता करके तब आप जाइएगा। ठीक, और ये नहीं कि कुछ भी बोल दे,
अच्छे से पता करके तब जाइए, क्योंकि सबका नाम जो है हम लोग के पेरेंट्स रखते हैं कुछ ना कुछ सोच के ही रखते हैं, हर नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो ये सब जानना जरूरी है, चाहे इस इंटरव्यू में हो चाहे किसी भी इंटरव्यू के लिए, और वैसे भी अपने नाम का मीनिंग तो जानना ही चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है बाबा नाम की, बाबा नाम की, बाबा मतलब होता है बंगला में पिताजी, तो यहाँ पे जब पूछा जाएगा बाबार नाम की या तुम्हार बाबार नाम की, तो समझ जाइएगा पिताजी का नाम बोलना है, तो आप लोग अपने पिताजी का नाम बोल दीजिएगा। हाँ, और नाम से पापा के नाम से पहले श्री लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है तुम्हार विषय बोलो, सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन जब वो बोले तो समझ में आना चाहिए। तो हम जो बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं जो, उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि इंटरव्यू हॉल में आपको पता लग जाए कि क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, हो सकता है आपसे पूछा जाए तोमार विषय बोलो, मतलब अपने बारे में बोलिए। तो यहाँ आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। आपका नाम तो पहले ही बता चुके हैं, आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है, ग्रेजुएशन कहाँ से किस सब्जेक्ट से किया है ये आपको बताना है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो बताना है किस सब्जेक्ट के साथ, किस सब्जेक्ट में और किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है। ये सब आप लोगों को बताना है। अब सेकेंड यहाँ पर हो सकता तोमार जेलार विषय बोलो, सुन लीजिए तोमार जेला विषय बोलो। जेला मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिले के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कोई स्वाधीनता सेनानी हो सकता है आपके जिले में हो, कोई फेमस नदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो फेमस चीज़ें हो वो आपको आना चाहिए। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन बोला जाए कि तुम्हार जिला विषय बोलो, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है। सेकेंड सेवन्थ है जो तुम्हार जिला DMA नाम की, तोमार जेलार DMA नाम की, तो ऑफ कोर्स ये समझ गए होंगे आप लोग, तो आपके अपने जिले के अपने डिस्ट्रिक्ट के DM का नाम याद होना चाहिए। फिर जेलार सब डिवीजन क्वाइटी, इट मीन्स आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने, देखिए यहाँ नंबर क्वाइटी, जब सुन लीजिए ध्यान से, क्वाइटी मतलब नंबर पूछा जा रहा है, तो जेलार सब डिवीजन क्वाइटी, तो आप ये सब प्रिपरेशन करके रखिएगा कितने सब डिवीजन है आपके डिस्ट्रिक्ट के। फिर जेलार कोटी ब्लॉक आछे, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो आपको वो नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने ब्लॉक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जेलाटीते थाना संख्या कत, अच्छा ये नहीं कि ऐसे ही सीक्वेंस से पूछा जाएगा, हो सकता है इसमें से कुछ पूछा जाए कुछ ना पूछा जाए, ठीक है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के सर्विस में यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो जेलाटीते थानार संख्या कत, थाना आप समझ ही गए हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में कितने, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने थाने है। एक और हम यहाँ पे आप लोग की हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को बंगला, आप लोगों को बंगला में अपना नाम बताना पड़ेगा, ठीक, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो अगर आपको जानना है अपने नाम का प्रोनाउंसिएशन बंगला में कैसा होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना नाम बता दीजिएगा, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन बता दूंगी कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है तुम्हार हॉबी की, तुम्हार हॉबी की मतलब आपका क्या हॉबी है। तो जो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोग हॉबी बताइएगा ना, तो फट से मत बताइए, सब सोच के जाइएगा, वेल प्रिपेयर्ड होके जाइएगा, हॉबी बताने से पहले उसके बारे में पूरा नॉलेज ले लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं कि कुछ भी उठा के अगर आप बोल दिए, ठीक है, कि हमको बुक पढ़ना पसंद है, तो हो सकता है वो पूछे कौन सी बुक पढ़ना आपको अच्छा लगता है, ठीक, आपने किसी का भी नाम मान लिया उठा के दे ही दिया, तो उनके रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है ना, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। हॉबी अगर आप कुछ बता रहे जो सच्ची में हॉबी है तो आपको नॉलेज होगा ही, और अगर कुछ बना के भी होता है ना, कभी कभी हम लोग बना के भी बोल देते हैं, तो अगर आप बना के बोल रहे हैं तो ऐसा सोच के जाइएगा, ऐसा हॉबी बताइएगा जो वहाँ पे आप इजीली, जिसका आपको नॉलेज हो अच्छे से, जिसका आप इजीली आंसर दे सकें, ठीक। फिर पूछा जा सकता है प्रियो खेला, प्रियो खेला मतलब फेवरेट गेम, और यहाँ पे भी फेवरेट गेम बताने से पहले आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा, उस गेम के बारे में पूरा जो है आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। फिर प्रियो खेलवाड़, मतलब खेलवाड़ मतलब खिलाड़ी, फेवरेट खिलाड़ी कौन है, अगेन वेल प्रिपेयर होके जाइएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट है प्रियो विषय की,
प्रियो विषय की। विषय मीन्स होता है हिंदी में बोलते हैं विषय, इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वही बोलिएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि पुलिस हिसाबे समाजेर प्रति की दायित्व होवा उचित। सुन लीजिए ध्यान से, पुलिस हिसाबे समाजेर प्रति की दायित्व होवा उचित, मतलब एक पुलिस के हिसाब से एक पुलिस अगर आपको नियुक्त किया जाता है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोसाइटी के प्रति। तो ये आप लोग जब इस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से आता होगा आई होप, और थोड़ा सा और देख भी लीजिएगा कि क्या क्या होना चाहिए, एक पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि पुलिस हबार कौन योग्यताटा अपनार आछे, पुलिस हबार कौन योग्यताटा अपनार आछे। तो आपको अपने पर्सनैलिटी में कोई एक पॉजिटिव, कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो पुलिस की सर्विस के लिए ज़रूरी होती है, तो उस चीज़ को आपके बारे, आपको उस चीज़ के बारे में वहाँ पे बताना है। इसके साथ ही आपको जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का नाम आता ही है सबको, साथ ही मंत्रियों के नाम आने चाहिए, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर्स के नेम आपको आने चाहिए, साथ ही में इंडिया के साथ ही स्पेशली वेस्ट बंगाल में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, कोई ऐप लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में भी प्रॉपर आप लोगों को जो है नॉलेज होना चाहिए। कुछ करंट अफेयर्स इंडिया के और कुछ स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल के करंट अफेयर्स आप लोगों को आना चाहिए। तो इतना कर लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि आप लोगों को जरूर से सिलेक्शन हो जाएगा। फिर हम उस पॉइंट पे जो मैंने शुरू में बोला था कि प्रो टिप देने के लिए, देखिए प्रो टिप ये है कि चाहे ये इंटरव्यू हो चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, कभी भी आप दिमाग में ये प्रेशर लेके नहीं चलिएगा, एकदम हल्के माइंड से जाइएगा। 100% गारंटी है आपका जॉब, आपकी जॉब लग जाएगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, शुभेच्छा तुम्हारे पुलिस कांस्टेबल इंटरव्यू जोन में, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।